दोस्तों कई बार जब आप इंटरनेट का रिचार्ज करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको 8 Mbps का प्लान दिया जा रहा है, मगर जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं तो आपकी स्पीड निकल जाती है 1 Mbps। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है संजोदी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जब भी आप इंटरनेट का रिचार्ज करवाए जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपको 8 Mbps का प्लान दिया जा रहा है, मगर जब आप स्पीड टेस्ट करते हैं तो आपकी स्पीड निकल जाती है 1 Mbps। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपको 8 Mbps का प्लान दिया जाता है उस समय आपको 8 Mbps नहीं बल्कि 8 Mbps का प्लान दिया जाता है। आप सोच रहे हैं मेगाबिट तो मेगाबाइट में क्या अंतर होता है? तो मेगाबाइट होता है 8 मेगा। जैसे कि आप मान लो आपको दिया जा रहा है 8 मेगाबिट का प्लान, अगर आप उसे मेगाबाइट में निकाल देते हैं तो आप उसे 8 का भाग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है, इसमें देखिए ये है 8 मेगाबिट और ये 8 मेगाबाइट। आप अगर 8 मेगाबिट में 8 का भाग देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी 1 Mbps। ये होती है मेगाबिट और मेगाबाइट। जब आप 8 मेगाबिट को भाग देते हैं उसमें 8 का तो आपको स्पीड मिलेगी 1 मेगाबाइट। ये होता है मेगाबिट और बाइट। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि मेगाबाइट और मेगाबिट में क्या अंतर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।